तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, हिंदी वर्ड चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि VLEY के लिए आयुष्मान भारत कार्ड बनाने की जो सेवा है वो शुरू की जा रही थी और फ्रेंड्स हाल ही में यह सेवा लाइव हो चुकी है और इसका लिंक भी प्रॉपर एक्टिवेट हो चुका है और इसमें रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है जिसमें फैमिली मेंबर को जोड़ा जा रहा है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स इसमें कुछ और अपडेट निकल के आए हैं कि VLEY को इसमें पैसा जमा करना होगा तब यह कार्ड दिया जाएगा। दोस्तों ये सब क्या जानकारी है और कैसे फैमिली मेंबर ऐड होगा और कितने रुपए VLEY को जमा करने होंगे उसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं और पूरा आपको रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो भी आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं। तो अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक का देखते रहिए। साथ ही साथ फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इसी प्रकार के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और प्रोसेस जान लेते हैं। सो फ्रेंड्स सबसे पहले तो देख लीजिए आप इस पेज को जहां से VLEY को अपने जो CSE फैमिली रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट करना होगा। तो यहां पे देखिए ये जो वेबसाइट है यहां से आप देख लीजिए और इसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जहां से आप इसको खोल पाएंगे या फिर यहां से इसे नोट कर लीजिए। दोस्तों यहां पर जैसे आप इस वेबसाइट को खोलते हैं अब आपको करना होगा साइन इन। तो यहां पर साइन इन पे करेंगे क्लिक और यहां पर जो आपकी CSE ID और पासवर्ड है वो आप यहां पे डालेंगे और साइन इन करके इस पर अपना साइन इन कर लेंगे। जैसे फ्रेंड्स आप यहां पर साइन इन करते हैं और आप यहां पर अलाउ करते हैं अपनी CSE ID से इसे लॉगिन करने के लिए तो आपके सामने ये डैशबोर्ड यहां पर दिखाई देता है। सबसे पहले देखिए यहां पे लिखा है CSE फैमिली रजिस्ट्रेशन, नीचे VLEY की डिटेल्स है जैसे कि VLEY का नाम, ईमेल ID, मोबाइल नंबर और एड्रेस और नीचे फ्रेंड्स फैमिली मेंबर में यहां पर अभी एक ही मेंबर ऐड है जो कि स्वयं VLEY है और यहां पे देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अभी एक फैमिली मेंबर ऐड पहले से है जो कि CSE VLEY है और चार फैमिली मेंबर को यहाँ पर और जो है वो ऐड किया जा सकता है। तो दोस्तों उसके लिए देखिए यहाँ पर दिया है ऐड फैमिली मेंबर या ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे भी लिखा है ऐड फैमिली मेंबर, इस पे आपको क्लिक कर देना है अगर आप अपने फैमिली मेंबर को इस योजना के लिए जोड़ना चाहते हैं। और फ्रेंड जैसे ही आप ऐड फैमिली मेंबर के ऊपर क्लिक करते हैं तो देखिए आपके सामने ये पेज आएगा जहां पे लिखा है टर्म्स एंड कंडीशन, यानी कि ये कंडीशन है इनकी और इनको जब आप एग्री करेंगे उसके बाद आपको सबमिट करना है तो आपके पास जो है फैमिली मेंबर ऐड करने का जो ऑप्शन है खुलेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको छोटी सी जानकारी दे देता हूँ जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन में बताई हुई है। तो यहाँ पर लिखा है आधार कार्ड इस नंबर इज मैंडेटरी, यानी कि फ्रेंड्स इस योजना का लाभ लेने के लिए अगर किसी भी फैमिली मेंबर को आप ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको उसके आधार जो नंबर है वो जरूरी यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरे विकल्प में ये बता रहा है कि जो भी फैमिली VLEY अपने फैमिली की जानकारी मेंबर की जानकारी यहाँ पर देगा वो सही सही जानकारी यहाँ पर देनी है क्योंकि फ्रेंड्स एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आप इस जानकारी को दोबारा एडिट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए तीसरी यहाँ पर जो टर्म्स एंड कंडीशन है यानी कि इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि द एप्लीकेशन फी पेड वुड बी एप्लीकेबल फॉर ए वन ईयर ओनली आफ्टर विच द VLEY विल बी रिक्वायर्ड टू पे द एप्लीकेशन फी अगेन फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द स्कीम बेनिफिट्स। तो फ्रेंड्स इसका मतलब मैं समझा देता हूँ, इसका मतलब ये है कि जब आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे सो यहाँ पर आप एक साल की फी पेमेंट करेंगे और एक साल के लिए ही मान्य होगी, इसके बाद अगर आप आगे से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको इसकी फी फिर से पेमेंट करनी होगी, यानी प्रत्येक साल इसकी पेमेंट करनी होगी। तो दोस्तों वो कितनी पेमेंट करनी होगी वो भी मैं आपको यहाँ पर अभी लास्ट में बताऊंगा। उसके बाद फ्रेंड नीचे अगली लिखा हुआ है VLEY नीड्स टू मेक द पेमेंट इन एडवांस फॉर टू अवेल द फैसिलिटी ऑफ द स्कीम। तो फ्रेंड्स इन पे ये कहना चाहते हैं ये कि जब आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको एडवांस में ही इसकी जो पेमेंट है वो करनी होगी। तो स्कीम का जो लाभ अगर मिलेगा आपको तो आपको पहले एक साल की जो फीस है वो आपको पहले ये पे करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स अगले ऑप्शन में कह रहा है कि जब यहाँ पर CSP SPP पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद फ्रेंड्स ये NHA पोर्टल पर इसका वेरीफाइड होगा और वेरीफाइड जब हो जाएगा तो यहाँ पर आयुष्मान पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होगा और आयुष्मान पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही यहाँ पर जो कार्ड है वो चालू होगा और इस योजना का फिर लाभ दिया जाएगा। दोस्तों ये सारी आप जानकारी पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना है और सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पर सबमिट करते हैं
तो आप देख पाएंगे आपके सामने ये जानकारी खुल जाएगी फ्रेंड्स। यहाँ पर जो पहला यहाँ पर जानकारी दिख रही है ये सीएससी वीएलई की स्वयं की है। यहाँ पर जो नहीं जानकारी भरी है वो आपको यहाँ पर भर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आप जितने भी फैमिली मेंबर को ऐड करना चाहते हैं, मैक्सिमम 4 मेंबर को और आप ऐड कर सकते हैं, तो आपको ऐड अनदर नंबर पे क्लिक करना है और ऐसे करके आपको 4 और फैमिली मेंबर को ऐड करना है। ऐड करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर चेकमार्क लगाना है और सबमिट करना है। अब फ्रेंड्स सबमिट करने से पहले मैं बता दूं इनके चार्जेस कि क्या इसके चार्जेस हैं जो कि वीएलई को यहां पर पे करने होंगे। तो फ्रेंड्स जैसे ही देखे यहां पर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको जो पेमेंट करना होगा वो करना होगा 2250 रुपए का, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं, तभी यहां पर आपका जो रजिस्ट्रेशन है सक्सेसफुल होगा। और फ्रेंड्स यहां पर देखिए नीचे जो लिखा हुआ है कि ये जो ट्रांजेक्शन है फ्रेंड्स ये 1 साल के लिए वैध है, उसके बाद जब दोबारा इसे रिन्यू कराएंगे तभी जो है ये सेवा यहाँ पर चालू होगी। अब फ्रेंड देखिए नीचे हम आपको दिखाते हैं इसके टर्म्स एंड कंडीशन की ये कब तक मान्य है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर लिखा है की पॉइंट में फ्रेंड्स एक जो वीएलई की जानकारी जिन्होंने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए लिखा है फिल इन योर आधार नंबर अदर डिटेल्स करेक्टली अदरवाइज द एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। यानी कि फ्रेंड्स अगर आप यहां पर जो एप्लीकेशन में जानकारी सही नहीं देते हैं या आधार नंबर सही नहीं देते हैं तो आपका जो फॉर्म है यहां पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद देखिए नीचे बताया गया द प्रीमियम अमाउंट ऑफ द 2250 इज एक्सक्लूसिव ऑफ द टैक्सेस 18% जीएसटी विल बी एप्लीकेबल। यानी कि फ्रेंड्स आपको इतना पैसा पे करना होगा 2250 रुपए और यहां पर 18% जीएसटी है। नीचे आते हैं देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बताया गया है कि द प्रीमियम अमाउंट ऑफ आरएस 2250 इज फॉर 1 ईयर फॉर मैक्सिमम 5 फैमिली मेंबर्स रिन्यूअल प्रीमियम विल बी कलेक्टेड एनुअली। यानी कि फ्रेंड्स जो 2250 रुपए है ये 1 साल का है 5 फैमिली मेंबर के लिए और प्रत्येक साल इसका जो है रिन्यूअल किया जाएगा एनुअली, यानी सालाना इसका जो पैसा है वो लिया जाएगा जब तक इसे वीएलई रखना चाहते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये 2250 रुपए में वीएलई को दिया जा रहा है, ना कि सीएससी ने कोई इसे ऑफर नहीं दिया है, कोई तोहफा नहीं दिया है, एक तरीके से कह सकते हैं कि एक इंश्योरेंस जैसा जो है यहाँ पर वीएलई के लिए हो गया है और उसी की तरह जो है कवर दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको पता है कि जो आयुष्मान कार्ड है उस पर जो है छोटे मोटे बीमारियों के लिए इलाज नहीं किया जाता है, जब कोई गंभीर बीमारी होती है तो वहां पर जो आपका कार्ड है वहां पर लगाया जाता है। दूसरी बात मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जब सभी लोगों के लिए जितने भी वीएलई जितने लोगों के आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं तो वो उनको फ्री फ्री में बना के दे रहे हैं, लेकिन जब वीएलई की खुद की बारी आई तो उसे 2250 रुपए देने पड़ रहे हैं। इसका मतलब वीएलई बहुत पैसे वाला है और उसके बाद बहुत पैसा है, ये आप समझ सकते हैं। तो सीएससी ने ये वीएलई के लिए एक ऑफर दिया है। अब दोस्तों जितने भी लोगों के पास ये पैसा है और जो सीएससी वीएलई पैसे वाले हैं अच्छा पैसा कमाते हैं तो वो इससे एनरोल करके 2250 रुपए सालाना देंगे और अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं, ये उनके लिए बड़ी ही खुशी की खबर है। लेकिन फ्रेंड जिन वीएलई की इतनी कमाई नहीं होती है तो वो इस स्कीम में शायद वंचित रह जाएंगे, तो वो सीएससी वीएलई स्वयं सोच सकते हैं। दोस्तों मेरा काम था आपको इन्फॉर्मेशन देना, जानकारी देना, सो मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आप यहाँ पर ये पेमेंट करते हैं, पेमेंट करने के बाद फ्रेंड जो आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, अपना जो वीआईएस पोर्टल है pmjy.csecloud.in इसके ऊपर आपको जाना है, वहाँ पर आपका नाम दिखेगा और नाम दिखने के बाद वहाँ पर आप जो है अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। और आयुष्मान कार्ड बनाने के बाद फिर आप उसका जो है जहाँ भी हॉस्पिटल में जो लिस्टेड है इनके अंदर वहाँ पे आप अपना इलाज करवा सकते हैं, यही इसकी प्रोसेस है। इसके बाद फ्रेंड छोटा सा इंस्ट्रक्शन नीचे और लिखा है कि जो वीएलई है अगर वो जो सैक डाटा लिस्ट थी 2011 की आर्थिक जनगणना थी अगर उसमें वो शामिल है, उस योजना का उसे लाभ मिला हुआ है, तो वीएलई इसके लिए रजिस्टर्ड नहीं करेगा, वो इसके लिए जो है अपना आयुष्मान कार्ड के लिए प्रोसेस आगे नहीं बढ़ाएगा। तो फ्रेंड जिसका पहले से आयुष्मान कार्ड बना होगा वो 2250 रुपए में आयुष्मान कार्ड अपना क्यों बनाएगा। तो दोस्तों ये आप यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर कर दीजिए और इसके बारे में अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। तो दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।